Hello everyone. So today in this video, I would like to share with you all guys some experiences and some tips and suggestions regarding how to prepare for APPSEEE. Actually, a coaching institute has invited me, you know, to tell the aspirants regarding how to prepare for this exam. So I thought ki wahan jaane se pehle aap logon ke saath ek baar share kar lunga. To sabse pehle abhi jab exam dete ho to aapke andar mein ek inspiration hona hai. हम एग्जाम क्यों देगा, तो यू नो एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड. ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है. कोई भी अगर अच्छा कोई अचीव करता है तो उसके बारे में जानकर, उसको पढ़कर यू गेट इंस्पायर्ड, इसंट इट. लेकिन कोई लोग समय के बाद ये जो इंस्पिरेशन है वो फेड अभी हो जाता है, वो कम हो जाता है और बाद में खत्म हो जाता है. एंड दे लाइक यू नो आर डीरेल्ड हो जाते हैं वो लोग अपना एम्बिशन से. बट देयर आर मेनी अदर एस्पायरेंट्स जो ये इंस्पिरेशन को बिल्ड करता है इनटू देयर कॉन्फिडेंस. And this confidence over the time becomes their source of energy and guides them to achieve their goals and targets. And let great doers be your inspiration. आप उन लोगों को अपना inspiration बनाना है जो वाकई में काम कर रहा है. Otherwise, you know, तो पर आएगा तो पर जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होता है. And my inspiration were my father, Hebrew Robins sir, and Armstrong Pame sir. सबको पता है ये Hebrew Robins sir कौन है. ये first IPS officer from Arunachal Pradesh, and Armstrong Pame sir, ये IAS फ्रॉम मणिपुर. इन दोनों को मेरा इंस्पिरेशन क्यों बनाया बोलने से, बिकॉज दिस गाइस आर रियली वर्किंग. ये दोनों अपना एग्जाम में एक्सेल किया है, नो डाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, नो दे आर डूइंग सो मच ऑफ ग्रेट वर्क इन देयर ओन रेस्पेक्टिव फील्ड. ये रूबिन सर के बारे में सबको पता है, नोटिस के लिए क्या कर रहे हैं दिल्ली में, स्पेशल ऐसे स्पेशल कमिश्नर हेल्पिंग एंड सोसाइटी भी है. सेम विद आर्मस्ट्रांग पामे सर. ये सर अपना लिए वो मणिपुर में ये रास्ता बनाए अपना अपना पैसा से, थाउजेंड बट बहुत बड़ा किलोमीटर, शायद कितना किलोमीटर ये रास्ता बनाया है अपना पैसा से. तो ये लोग आप जब पेज फॉलोइंग करता है ये फेसबुक वगैरह में, तो ये लोग हर दिन अपडेट करते हैं, ये लोग क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसका किसका कोलाब्रेशन कर रहा है, यू नो. तो उससे आपका इंस्पिरेशन कम नहीं होता. दैट्स वाई आई सजेस्ट कि यू शुड फॉलो जो काम कर रहे एक्चुअली, यू नो डूअर्स. दैट्स वाई आई सेड लेट ग्रेट डूअर्स बी योर इंस्पिरेशन. Now directly coming to the main topic, that is mere kya kya book list for prelims exam. Pattern has been changed, you know, pattern has been changed. To thoda bahut upar niche hoga. Even then, let me try to give a concrete idea. Paper 1 ke liye, no, first thing is NCERT books from standard 6 to 12. Yes, you can skip 11 12 ka maths along with microeconomics or whatever sab, but usko chhod ke baki sab ko ekdam aapko rakhna hai. एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्यों है, आई होप सबको मालूम होगा. एनसीईआरटी एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिश किया बुक है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी करता है इसको. तो ये मतलब झूठ नहीं हो सकते, भले ही झूठ हो या भले ही उसमें गड़बड़ हो, लेकिन ये जो बुक्स है दिस आर दी यू नो यू कैन से स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो क्वेश्चन होगा इसी के आधार पे होगा. दैट्स वाई एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर दी फाउंडेशन ऑफ यूर प्रिपरेशन. नेक्स्ट जो हम लिया था दैट वॉज लुशन जी के, बाद में हम अरियंत में चेंज किए, बट ऑफकोर्स दोनों सेम है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे है, सेम ही है. उसके बाद आता है ताता मैग्रो का बुक, मोटा वाला, यू कैन गो विद अरियंत ऑल्सो, दोनों से ऑलमोस्ट सेम है. दोनों तरफ मोटा इसीलिए है क्योंकि हर सब्जेक्ट को इसमें कंपेयर किया हुआ है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट हर चैप्टर का बाद एमसीक्यूज दिया हुआ है, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर. तो इससे बहुत हेल्प मिलता है, नो. देन कम्स योर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन. इससे क्या रहता है कि आप लोग हमेशा अपडेट रहता है कि अच्छा ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वाई यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इज आपका इंग्लिश ठीक होता है, बाद में जब मेन्स लिखेगा तो ये सबसे काम इधर ही आने वाला है, स्पेशली इन एसे राइटिंग, नो. और जिससे आपका वोकेबिलिटी बढ़ेगा और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. तो दैट्स वाई न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है. एंड करेंट अफेयर्स, यस, अगर पैसा का कमी है बोलने से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, विजन IAS का, ये फ्री में मिलता है. लेकिन फ़ोन में पढ़ने का एक अलग झमेला है. आई यूज़ टू परचेस यू नो दिस कम्पिटिटिव रिप्रेसर है, उसके बाद ये कंटेम्प्रेरी इशू बोल के था, इवन प्रतियोगिता दर्पण भी है, विजार्ड, देर आर सो मेनी मैगजीन्स, पर एक ही किनो बिकॉज कंटेंट ऑलमोस्ट बराबर रहेगा. नेक्स्ट इज ये सब पार कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज इज ये,
क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि ऑलमोस्ट आप सभी का ये स्टेज पार हो गया है. सो नेक्स्ट स्टेज वुड बी लाइक रिविजन. बार बार आप रिविजन करो, वर्क ऑन योर वीकनेसेस. क्या होता है कि बोर्ड लोग फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, दे डोंट नो द कंसेप्ट, बट उनको याद रहेगा अच्छा ये है वो है, बट दे डोंट जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो ये प्री समय में यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेसेस. फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमी सबको मालूम है CRR क्या है, नो CRR क्या है, SLR क्या है, पुलपम सबको मालूम होगा, बट दे वोंट बी नोइंग कि एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, इन्फ्लेशन में इन लोगों का क्या रोल होता है, इसको गवर्नमेंट RBI कैसे इसको यूज करता है, इसको नहीं मालूम होगा. सो आप जो जो टॉपिक्स में आपको नहीं मालूम है या आप वीक है, यू शुड वर्क ऑन दोज वीकनेस स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि आपको याद करने वाला वो चीज वो समय ओवर हो गया. नो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स. नेक्स्ट वुड बी यू नो अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आप जब पूछेगा तो वो लोग ये जरूर सजेस्ट करेगा कि वो लोग टेस्ट सीरीज डेफिनेटली वो लोग ज्वाइन किया था. और अगर आपका पास थोड़ा पैसा कमी है बोलने से, यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप नो एमोंग योर फ्रेंड्स, और आपस में आप लोग टेस्ट पेपर सेट कर सकता है, या आप लोग जो सॉल्व क्वेश्चन सॉरी जो पुराना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स उसको यू कैन सर्कुलेट एंड यू कैन सॉल्व अमोंग योर सेल्फ. इससे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में कि आपका पास एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है. अगर 2 घंटा का एग्जाम है तो मेक श्योर कि 2 घंटा अंदर में ही खत्म करेगा, अदरवाइज आप 2 घंटा का टेस्ट सीरीज को आप 4 घंटे में देगा, इट वॉन्ट बी फ्रूटफुल. सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रियल टाइम एक्सपीरियंसेस एंड गिविंग यू कि हाँ ये एग्जाम है और आपका अंदर में एक कम्पिटिटिवनेस का जो एक वो रहेगा, स्प्रिट रहेगा. नेक्स्ट इज एस आई सेड अर्लियर कि बी वेरी कम्पिटिटिव. इस साल भी देयर इज अराउंड 23,000 एप्लीकेंट. जस्ट इमेजिन 23 एप्लीकेंट. चलो मान लेते हैं इसमें से 20,000 भी मतलब ऐसे टाइम पास दिया है, बट 3,000 कैंडिडेट तो सही होगा जो एक्चुअली में पढ़ रहा होगा एंड जो इंस्पायर्ड है किसी और से एंड लाइक दे रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. सो 3,000 फॉर अराउंड 79 to 80 ओड पोस्ट. तो कंपटीशन इज वेरी टफ एंड ऑलवेज रिमेंबर इट्स प्लक नॉट लक. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका हार्ड वर्क ज्यादा काम करेगा. प्लकिंग मीन्स आपको तोड़ना पड़ेगा ना, बस बैठकर अच्छा कुछ फ्रूट ऊपर से गिर के मेरे पाँव में गिरेगा तो लक तो काम नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट इट्स प्लकिंग नॉट योर लक. नाउ रिगार्डिंग पेपर 2 आई वुड सजेस्ट कि सिंस दिस इज क्वालिफाइंग नेचर इसे आपको 33% लाना है, दैट इज अराउंड 67 मार्क्स. और इसका जब निकला है तो लाइक इट्स अराउंड 27 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस. तो सुनने में बहुत इजी रहता है नो, बट इजी तब रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेगा. सो फॉर दिस पेपर 2 फॉर एग्जांपल लेट यू हैव अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस, 40 करेक्ट है एंड 20 आर इनकरेक्ट. ऐसा सीन में भी आपको आराम से 86 मार्क्स मिल रहा है जबकि आपको बस 67 मार्क्स चाहिए, तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकेगा. बट एस आई सेड अर्लियर कि आपको प्रैक्टिस करना होगा. तो इसके लिए कौन सा बुक्स है? बुक्स तो मार्केट में दुनिया भर का है, बट जो हम फॉलो कर रहा था दैट इज लाइक क्रैकिंग द सीसेट बाय अरिहंत. अरिहंत का एक बुक है, मनोहर पंडित शायद था. तो ये जो बुक है इसमें बहुत हेल्प मिलते हैं, टॉपिक वाइज सबका इसमें देखे रखा हुआ है, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सॉल्व है. तो ये हम 2015 से इसको हम यूज कर रहा था एंड टू वेरी ऑनेस्ट जब भी UPSC का प्रीलिम्स होता है आई ऑलवेज गेट अराउंड 110 to 120 एवरी ईयर नो वेरी इजिली. तो इससे हो जाएगा आपका, बट मेक श्योर कि आप सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर UPSC का भी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस पेपर्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल इन पेपर 2 बिकॉज क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा एंड बहुत सा क्वेश्चन लोग एकदम मॉडरेट लेवल का होगा. तो वट वी डू इज दैट टफ क्वेश्चन में हम लोग फंस के बैठ जाते हैं और ईजी क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है. तो इसीलिए आप अपना जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो. इफ यू डोंट नो मैथमेटिक्स, अगर आपको बेसिक न्यूमेरेसी बिल्कुल नहीं आता है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको लास्ट प्रायोरिटी दो नो. एंड जिसको आपको जो समझ में आता है, भले इंग्लिश कम्प्रीहेंशन हो, मेंटल एबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, उस पर ज्यादा काम करो. और वो सब काम आप कैसे मालूम होगा कि आप किस में कितना स्ट्रेंथ है, उसके लिए यू हैव टू अटेंड टेस्ट सीरीज. इसे एस आई सेड अर्लियर कि आप रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ज्यादा बेहतर रहेगा. और अगर पैसा कमी है तो देन यू कैन मेक ग्रुप स्टडी, डिस्कशन विद योर फेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एंड सॉल्व, प्रैक्टिस एंड सॉल्व, यही काम आएगा. एंड डू रिमेंबर इम्प्रूव योर सेल्फ, डोंट बी ऑन ए फॉल्स होप दैट यू वुड पास दिस टाइम व्हाइल रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. लास्ट ईयर अगर आपका क्रैक नहीं हुआ है
तो इस साल अगर आप सेम मिस्टेक करेगा, अपना आपको रेक्टिफाई नहीं करेगा, अपना आपको इम्प्रूव नहीं करेगा, तो आई एम वेरी सॉरी, इस टाइम भी होना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से. एंड रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज, वी आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स है जो आपको हेल्प करेगा. मेरे दिमाग में तो दो तीन ही आ रहा है. एक है UTS, यूनाइटेड टेस्ट सीरीज, इसे डेट सक्सेस पॉइंट भी है, दे आर वेरी गुड, आप बहुत ज्वाइन कर सकता है. And lastly, remember, an ordinary mind with proper plan is better than an extraordinary mind without any plan. ये बात ध्यान देना. And regarding mains and Viva, I would like to make another video on some another day. That's it. Thank you.